सलाम मेरे फ्रेंड्स, ड्रामा रिव्यू स्पीकी में करते हैं आपको खुश आमदीद। दुल्हन ड्रामे में आपने देखा कि मिकाल अमल के सामने आ चुका है, लेकिन अमल उसे डर के भाग जाती है क्योंकि इसके दिल में खौफ है कि कहीं फिर वो उसे शाहमीर तक ना पहुंचा दे। अमल मिकाल को ही अपने बाप का कातिल समझती है। मिकाल भी अमल को धोखा देकर खुश नहीं है। वो एक तरफ तो एनी से शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपनी साख को अपनी माँ और मामों के सामने अच्छा भी रखना चाहता है। लेकिन मिकाल के दोस्त ही उसकी सब बातों को जुटला कर फोन पर ये कहती है कि मिकाल तो उससे शादी करना चाहता है। ये बातें स्पीकर पर सभी ने सुन ली। शामिर जो पहले ही उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था, इसको मौका मिल गया। शामिर तो चाहता ही नहीं है कि उसकी बहन मिकाल जैसे चीटर से किसी भी रिश्ते में बंधे, लेकिन सबसे बड़ा चीटर तो वो खुद ही है। बकरी की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी? आखिर तो सच्चाई सबके सामने आएगी। शामिर पहले तो अपनी बहन एनी को मना करता है कि वो शादी से इनकार कर दे, मगर एनी सब हकायक जानने के बावजूद भी मिकाल से शादी पर तैयार है। एनी यही समझती है कि शामिर अपनी पर्सनल लड़ाई में एनी की ज़िंदगी को भी इन्वॉल्व कर रहा है, जबकि एनी एक कॉन्फिडेंट लड़की है। वो अपने मामलात को अपने भाई के मामलात से दूर रखना चाहती है। तो शामिर एनी से कहता है कि तुम अपने भाई को गलत समझ रही हो। इतना कुछ होने के बावजूद अगर तुम मिकाल से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन शामिर के वालिद और मिकाल के मामू मामले को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है, तभी तो मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो एनी को नाश्ते की मेज़ पर साफ साफ मना करते हैं कि जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाऊँगा, शादी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं जानते बूझते अपनी बेटी को किसी खाई में नहीं धकेल सकता। अब मिकाल दो रास्तों का मुसाफिर हो जाएगा। एक तरफ तो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए एनी से शादी भी करना चाहेगा, क्योंकि एक तरफ इज्जत और दूसरी तरफ बिजनेस है। लेकिन क्या किया जाए कि जमीर भी अमल के साथ की गई ज्यादती पर उसे मलाल करेगा, और अब ये मलाल, ये पशेमानी कब मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी, ये शायद मिकाल को भी नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामों के प्रोमोस और टीजर्स, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।